सज्जनों और देवियों, हमें अपना पता लगाना चाहिए हम कौन हैं, और जहाँ पर बैठे हैं यहाँ मेरा क्या है और कौन है, मुझे दुख क्यों है, दुख से छुटकारा कैसे होगा। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना और विचार करके इसे हल करना, स्वयं तो हल नहीं हो पाता है, जो इसके मर्मज्ञ हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। जो आत्मशोधन में लगे हैं, आत्मविश्लेषण में लगे हैं, आत्मचिंतन और आत्मशुद्ध में लगे हैं और आत्मविश्राम के महत्व को समझते और उसमें रमते हैं, उनसे इस विषय को समझने की जरूरत है। वैसे आप भी आत्मा हैं, स्वयं, आत्मा का मतलब स्वयं, स्वसत्ता, जो जागृत अवस्था में सबको जानता है, स्वप्न अवस्था में स्वप्न के आभास को जानता है और गाढ़ी नींद में परम शांति को जानता है, वो जानने वाला कौन है। जैसे नींद खुलती है दुनिया का प्रपंच सामने आता है, मन और इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख नाक कान जीभ चाम, इन पांचों के द्वार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आगमन होता है और मन उसमें सहयोगी होता है और जगत प्रपंच हमारे सामने उपस्थित होता है। उसमें अनुकूलता में ममता होती है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है और यही चक्र चलता है और इसी में हमें सुख का आभास और दुख का भोग होता है। सदैव सुख का आभास रहता है, सुख रहता नहीं, आभास रहता है और दुख का भोग होता है। दुनिया में सबसे बड़ा सुख स्त्री पुरुष के संबंध जनित काम भोग को माना कि ये सबसे बड़ा सुख है। उसका विश्लेषण करो तो सबसे बड़ा दुख वही है। एक आदमी बैठा है शांत चित्त, उसके मन में काम वासना का उद्वेग आ गया और उसका अभाव नहीं कर सका तो व्याकुल हो जाता है। अगर पुरुष है तो उसे स्त्री चाहिए, स्त्री है तो पुरुष चाहिए, और ये दुर्लभ है हर समय मिलना। मिल जाए तो छीण होता है, मलिन होता है, उद्वेगित हुआ, छीण हुआ, मलिन हुआ, पीछे पछताया, वासना बढ़ी, तृष्णा बढ़ी, चित्त भटका, आत्मा से हट करके अनात्मा में लगा, कौन सा सुख हुआ। और इसी सुख के पीछे सारा दुख निमंत्रित हुआ, जो सबसे बड़ा सुख माना है, स्वाद का सुख। स्वाद के सुख में पड़ करके भोजन करते समय गला तक खा लिया, अब उठते बैठते नहीं बनता है, लेटते नहीं बनता है, बात करते नहीं बनता है, सुख से रह नहीं मिलता है। क्या सुख मिला? ऐसे सभी विषयों के विषय में समझिए, विषयों में उलझ उलझ करके जीव दुख भोगता है। जागृत अवस्था का यह प्रपंच है, इसी में ज़्यादा जहाँ लोभ होता है, अहंकार होता है, वहाँ क्रोध होता है, कटुवचन होता है, और बढ़ता है तो मारामारी होती, हिंसा हत्या होती, सामूहिक हत्या होती, गबन होता है, दूसरे के धन का अपहरण होता है, ये सब चलता है। जागृत में आदमी चैन से नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि उसने जो कमाई की है वो विषय वासना की है,
जो चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लूटते हैं, दुराचार करते हैं, वे भयंकर अपराधी हैं, बहुत दुखी रहते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं, कमाते खाते हैं, कमाने खाने में थोड़ी बेईमानी कर लेते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति नहीं रहती है, लेकिन अशांति वहाँ भी है। जो एकदम बेईमानी नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत में जो मिलता है उससे गुजर करते हैं, या किसी ने प्रेम से दे दिया उससे गुजर करते हैं, और संयम से रहते हैं, मर्यादा से रहते हैं, उनका बहुत दुख दूर रहता है। लेकिन दुख से पूरा दूर वे भी नहीं रहते, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये तो चित्त में है। जो भक्ति साधना करते हैं, संयम से रहते हैं, ज़्यादा संयम से रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सद्गुणों को धारण करते हैं, उनके चित्त में दुख बहुत कम हो जाता है, लेकिन बिल्कुल दुख रहित नहीं होते हैं। जब तक देहाभिमान है, जब तक दृश्य का अभाव नहीं है, जब तक वासना त्याग करके आत्मलीन अवस्था में नहीं पहुंचते, तब तक वहाँ भी दुख का सर्वथा अंत नहीं होता है। पुण्यात्मा सुखी रहता है, लेकिन सर्वथा सुखी नहीं रहता है। सर्वथा सुखी वह रहता है, पूर्ण सुखी, जिसके मन से दृश्य का अभाव है। जो कुछ दिखाई देता है इसमें अनुराग नहीं है, लेकिन इसको आप मत समझिए कि मनुष्यों के साथ वो दुर्व्यवहार करता है। वही मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। जो दुनिया के ऐश्वर्य में आकर्षित होता है वह बुरा व्यवहार करता है। दुनिया की वस्तुओं में आकर्षित होने वाला, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और भोग का अहंकारी जीव संतुलित नहीं रहता है। उसको पदे पदे अहंकार में उसके ठेस लगती है और उसके मुख से कटुवचन निकलते रहते हैं। संयमी होने पर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अहंकार का पूर्ण विसर्जन अत्यंत आवश्यक है। आप शुद्ध बुद्ध चेतन हैं, देह नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये सब औजार हैं, प्राकृतिक औजार हैं, जीवन में काम करने की चीज़ें हैं। इनसे अपने आप को अलग समझिए। आप में जगत प्रपंच नहीं है। गाढ़ी नींद में आपको जगत प्रपंच कहाँ रहता है? गाढ़ी नींद में कोई क्लेश नहीं रहता है, लेकिन वो अवस्था जन्य है, बोध जन्य नहीं है। नींद खुली तो फिर दुख शुरू हो जाता है। जो जागृत अवस्था में रहते रहते सारे दृश्यों का अभाव कर देता है, दृश्य का मतलब है जड़ प्रपंच जगत, दृष्टा और दृश्य दो तत्व हैं, दृष्टा आत्मा है, दृश्य जड़ जगत है, सारे दृश्य का जो अभाव करता है, कुछ मेरे में नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, यही परम सत्यता है, ये परमार्थ है। व्यवहार क्या है? आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, और ये दोनों जीवन भर चलता है। जिसका पारमार्थिक जीवन होता है, व्यावहारिक जीवन उसका मधुर होता है। जिसका परमार्थ जितना कम होता है, व्यावहारिक जीवन कट होता है। जो जितना देहाभिमानी हो गया होगा, विषयों की लालसा वाला होगा, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, पूजता, प्रतिष्ठा की लालसा वाला होगा, उतना ही वो कट होगा, उतना ही वो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करेगा। जो जितना निर्माणी, निष्कामी, निर्मल होगा, वो उतना मक्खन सरीखा होगा, उसकी वाणी मधुर, उसके वर्ताव मधुर, उसका सुख अनंत है। हर आदमी को जीवन गुजर का काम करना चाहिए, अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार। जीवन गुजर के लिए थोड़ी चीज़ें चाहिए, हम ठाट बाट में फंस जाते हैं।
बहुत ऐश्वर्य के भूखे हो जाते हैं, अब अपने को खो देते हैं। सारा संसार ये नहीं समझ पाएगा, जो समझ पाए वो ये काम करें। अंतर्मुख हुए बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती है, और बाहर की इच्छा रखने वाला अंतर्मुख नहीं हो सकता है। विषयों की इच्छा, सांसारिक महत्वाकांक्षाएं अंतर में प्रविष्ट होने में भयंकर वैरियर है। जो आंतरिक स्थित, आंतरिक शांति, आंतरिक स्वराज्य और साम्राज्य, स्वर्ग वैकुंठ और जन्नत चाहता है, वह बाहर से उदास हो। हजरत मोहम्मद ने भी कहा हदीस में, जो कम बोलता हो और दुनिया से उदास रहता हो उसके पास बैठो, उससे आत्मिक रोशनी मिलेगी। जो साधक होगा वही ये कहेगा, चाहे कोई सगुण उपासना करे, निर्गुण उपासना करे, साकार उपासना करे, निराकार उपासना करे, विषयों के प्रपंच से अपने को मुक्त किए बिना सफल नहीं होगा। किसी उपासना में बाधा तो विषय वासना है, आसक्ति है, मोह ममता है। विषयासक्ति, मोह ममता ये व्यवहार नहीं है, तो व्यवहार को खराब करने वाला है। व्यवहार तो है मनुष्यों के साथ प्रेम और अन्य जीवों के प्रति भी करुणा। मनुष्यों के साथ प्रेम का बर्ताव करो और अन्य जीवों के लिए भी करुणा का बर्ताव करो। चलते फिरते जितने जीव हैं, किसी को तकलीफ देने की इच्छा ना हो। ईश्वर और देवता के नाम पर मासूम प्राणियों को काटना समझदारी नहीं। ये पूरा काल का संस्कार है, जंगली युग का। इसका संवरण होना चाहिए, इसका त्याग होना चाहिए। एक सामान्य सज्जन व्यक्ति भी किसी निरपराध प्राणी की छटपटाहट को देख करके सह नहीं सकता है, या तो रोकेगा या हट जाएगा। फिर ईश्वर और देवता निरपराध प्राणी की हत्या देखे और खुश हो, ये कोई समझ की बात नहीं है, ऐसा कभी संभव नहीं है। ये जंगली युग की देन है, इसको त्यागना चाहिए। अन्य प्राणियों पर भी करुणा होनी चाहिए, मनुष्य के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम तब होगा जब स्वार्थ घटेगा। राम को स्वार्थ नहीं था, शाम को बताया गया राजगद्दी, सुबह दिया गया 14 बरस का कठोर वनवास। उसमें शर्त थी कि राम किसी बस्ती और नगर में न जाएं, किसी की दी हुई चीज न खाएं, स्वयं उपार्जित करके खाएं, जंगल में झोपड़ी बना के रहें। इस कठोर नियम को सुन करके श्री राम के मन में शोक नहीं हुआ, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। जब उन्होंने सुना वनवास, जब दशरथ के पास पहुँचे, सुमंत बुलाने आए, तभी उनको सांप छू गया कि लगता है कुछ गड़बड़ है। जब पहुँचे तो दशरथ बिहबल। राम ने कहा, पिताजी क्यों नहीं बोलते हैं, क्या मैंने अपराध किया? कैकेयी ने कहा, तुमने कोई अपराध नहीं किया, अगर तुम बात को उड़ा ना दो तो मैं कहूँ। ये कठोर वचन उसने कहा। राम ने कहा, माता आप तो कहो, मैं आग में कूद सकता हूँ, पानी में कूद सकता हूँ, ऐसा क्यों कहती हो? उन्होंने कहा, भरत को राज्य मिला है और तुम्हें 14 बरस का वनवास। इसके बाद वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम को शोक नहीं हुआ और भरत के लिए राज छोड़ करके चले गए। भरत को राज्य मिल गया लेकिन उन्होंने भोग नहीं किया, राम के चरणों में अर्पित किया। जब वे नहीं गए तो उन्होंने राज्य का पालन किया, राज्य की सेवा की, भोग नहीं किया। दोनों निष्काम थे इसलिए दोनों में कोई कटुता नहीं आई, मिठास आई और उच्च आदर्श स्थापित हुआ। कौरव पांडव में इसके विपरीत है। कौरव महाभोगी, पांडव भी अछूते नहीं, दोनों आपस में कट करके मर गए। महाभारत काव्य भ्रातघाती युद्ध का है, रामायण काव्य भ्रातृत्व का है, भाईचारे का है। ये अलग बात है कि महाभारत में ज्ञान का भंडार है, गीता उसी में है।
बहुत ज्ञान की बातें हैं, लेकिन ऐसे महाकाव्यों में तो अतिशयोक्तियाँ भी खूब होती हैं, प्रपंच भी खूब होता है, वाल्मीकि रामायण में भी है, महाभारत में भी है। अतिशयोक्तियाँ और चमत्कार तो छोटी छोटी पुस्तकों में धार्मिकों के हुआ करती हैं, क्योंकि आगे चल करके कुछ तो अतिशयोक्तियाँ होती हैं, काव्य रस रहता है उसमें। कभी लोग लंबा चौड़ा हाँकते हैं, लेकिन ज़्यादातर धार्मिक लोग अपने को चमत्कारी सिद्ध करने के चक्कर में बहुत रहते हैं, क्योंकि सच्चा धर्म हट जाता है, उनके दिमाग में रहता है धन और जन कितना बढ़े, और धन और जन की इच्छा जहाँ हुई बिना चमत्कार पकड़े संभव नहीं। दो नंबर के धंधे से धन बढ़ता है लोग कहते हैं, दो नंबर के धर्म प्रचार से धर्म बढ़ता है। वो धर्म क्या है? पब्लिक की भीड़ और पैसा, ये बढ़ता है। दो नंबर का धर्म क्या है? हमारे गुरुजी आकाशगामी हैं, जो चाहो सो कर दें, निपुत्री को पुत्र दे दें, रोगी का रोग काट दें, और जो कुछ चाहें कर सकते हैं, असंभव को संभव बना दें। आज के युग में पढ़े लिखे लोग अष्ट सिद्धि को सही मानते हैं, लक्ष्मा गरिमा प्रात प्राकाम इत्यादि, मच्छर जैसा हो जाना, हाथी जैसा हो जाना, यहीं बैठे बैठे दुनिया के समस्त क्षेत्रों की बातों को, चीज़ों को देख लेना, पृथ्वी के अंदर में उसी प्रकार प्रवेश करना जैसे पानी में, जवान हो जाना, बूढ़ा हो जाना, आकाश में उड़ जाना, ये सब का सब टोटली झूठ है। कभी कुछ नहीं होता है, सब कभी नहीं हुआ है, वो कभी नहीं होगा, किताबों में लिखा है। उसको मानने वाले बताते हैं पहले से होता था, आगे भी हो सकता, केवल वर्तमान में नहीं होता। तो पहले ऐसा होता था, वो तो मरा हुआ है, अब आगे वाला तो कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि अगला दिन जब आएगा तो भी वर्तमान हो जाएगा, फिर आगे तो और सरक जाएगा, भविष्य कभी सामने आता ही नहीं है। तो ये जो चमत्कारी बातें पहले होती थी, अब आगे हो सकती हैं, वर्तमान में हम दिखा नहीं सकते। योगी बाबा लोग सब कुछ जानते थे, तेल पेट्रोल का पता लगा करके कहीं बताए हैं, रत्नों की खान कहीं बताए हैं, चोर बदमाश तकलीफ देते कहीं बताए हैं, भारत में कई जगह आतंकवाद है और छिपे हुए बदमाश पर्वतों में बैठे हैं, ये बाबा लोग क्यों नहीं बता देते अमुक जगह है, पुलिस जाके पकड़ लावे। सिद्धि का अर्थ है क्रोध रहित होना, काम रहित होना, वासना तृष्णा से रहित होना, आत्मसंतुष्ट होना, आत्मतृप्त होना, प्रेम की गंगा बहाना, द्वेष का नहीं, घृणा का नहीं, ईर्ष्या का नहीं, ये न सोचना अगला व्यक्ति क्या करता है, हम क्या करते, अगले ने कट कहा उसकी समझ जैसी हम कट न कहें, दूसरे के दोषों को याद करते रहना, उसने हमें ऐसा कहा, ये साधना का रास्ता नहीं। सबके अंदर में जहर है और अमृत है, अमृत तो ज़्यादा दबा है, जहर ही उभरा रहता है। दया क्षमा संतोष शील विचार विवेक वैराग भक्ति, ये सब अमृत हैं, और ये सब के अंदर में बीज रूप में हैं। क्रोध काम लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या घृणा परनिंदा इत्यादि के बीज भी सब में हैं, लेकिन विकसित ये दुर्गुण रहते हैं, सदगुण दबे रहते हैं, क्योंकि आदमी भोग पराण अहंकारी है, लिपटा है विषय वासना में, उसे स्थूल वस्तुएं ही दिखती हैं, आत्मा का बोध नहीं, इसलिए जहर विकसित रहता है, सबके अंदर से जहर उबलता है, वो स्वयं जलता है जिसमें जहर उबलता है, और जब जहर उबल करके दूसरे पर पड़ता है, जो नहीं सह पाता वो भी जलता है। साधना क्या है? दूसरे के उबले हुए जहर को सह लेना और अपने जहर को मारना। साथी बराती के कट वचन निकले, सालो निर्विकार भाव से, अपना कट वचन न कहो। दूसरे ने अनुदारता का बर्ताव किया, हम उदारता का बर्ताव करें।
दूसरे ने हमारा तिरस्कार किया, हम उसका सत्कार करें। सुधार कहाँ से? अपने से। सुख की चीज, सुविधा की चीज हो दूसरे से। कोई चीज ऐसी है वो दूसरे को पहले दो, ये शोभा है, लेकिन सुधार करना है अपने से। सास कैसी है ये न सोचे, बहू स्वयं सोचे मैं सुधरू। सास सोचे कि बहू कैसी है, नहीं स्वयं सुधरे। इसी प्रकार सब, पिता पुत्र भाई भाई, गुरु शिष्य, गुरु भाई ये न सोचे अगला ऐसा है, हम कैसे हैं, हम अपने को मीठा बनाएं। अपने जहर को मारना और दूसरे के उबले हुए जहर को सह लेना, यही सच्ची साधना है। इस साधना में जो निपुण हो जाता है वो परम शांति को पाता है। सिद्धि का अर्थ यही है। कोई सिद्ध आज तक मच्छर भुनगा नहीं हो सकता है। ईश्वर जो चाहे सो कर दे, और ईश्वर तो जो पहुंचा है वो जो चाहे सो कर दे, ये दोनों लंबी चौड़ी बातें हैं। ईश्वर जैसा नाजुक पदार्थ उठाना बहुत गलत है। ईश्वर तो जो चाहे सो कर दे, सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो सूरज पर कमल कमल खिला दे और कमल पर सूरज खिला दे, बड़ी अच्छी बात है। ईश्वर से निवेदन करना चाहिए कि सूरज पर कमल न खिलाए और कमल पर सूरज न खिलाए, धरती से दुराचार को समाप्त करवा दे। जो ईश्वर के गुर्गे हैं एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को नास्तिक और काफिर कहते हैं, एक दूसरे के उपासना स्थल में आग लगाते हैं, एक दूसरे का कत्ल करते हैं, इनको पहले ईश्वर समझा दे ऐसा काम न करें। ईश्वर के भक्त बने बैठे हैं, घूस लेते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, ईश्वर का नाम तो खूब चलता है, गली गली में नौ नौ ने जाओ ऊपर तक ईश्वर की महिमा, और कर्म ऐसे घिनौने हैं जिसका कुछ ठिकाना नहीं। तो जो ईश्वर के भक्त हैं पहले उनकी अकल को ईश्वर ठीक कर दे, फिर सबकी ठीक कर दे, इतने चाहिए सूरज पर कमल और को कमल पर सूरज न खिलाए। ईश्वर की अति महिमा ने कर्म सिद्धांत को ठंडा कर दिया है। हमें ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जो सर्वत्र हो, सर्वज्ञ हो और सर्वशक्तिमान हो, हर जगह हो, क्योंकि सर्वत्र है और सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर दे लेकिन वो बुरा नहीं करता है, और सर्वज्ञ हो, सब कुछ जाने, ये हमारी आवश्यकता है। इसी आवश्यकता के नाते हमने ऐसी कल्पना की है, लेकिन ये कल्पना सार्थक नहीं है। कोई ऐसी शक्ति सब जगह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नहीं है जो इन बदमाशों को ठीक कर सकें। वस्तुतः सब जगह नियम है, नियम ईश्वर है, कहीं भी आप जा करके उससे बच नहीं सकते हैं। वो आपके ऊपर जबरदस्ती कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब आप करेंगे तो कंप्यूटर की तरह आपके सामने उपस्थित कर देगा। कंप्यूटर तो बिगड़ जाएगा, नियम बिगड़ता नहीं है। कहीं भी करो, चाहे आपका नाम भगवान ही हो, गलत करोगे तो दुख पाओगे। नियम पक्का है, सर्वत्र नियम व्याप्त है। इसको वेद में ऋत कहा गया, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। नियम ईश्वर है जो स्वयंभू है, सदा से है। उस नियम को पहचाने, नियम से चले। ईश्वर का एक जोरदार ईश्वर बना करके पहले हम भावुक बन जाते हैं, और फिर वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, ईश्वर तक। ईश्वर सिद्ध हो गया, अब हम जो चाहे सो करें। हम अगर ऐसा नहीं कहते तो हमारे चेले कहते हैं। एक गांव में, एक गांव के बाहर एक कुटी में संत थे, तो वहाँ हल्ला था कि महाराज जी रात में आकाश में उड़ते हैं। गांव वाले आधी रात को आए कि आज देखें कैसे उड़ते हैं। आधी रात के बाद गुरुजी निकले पेशाब के लिए, तो लोग खुशफुसाने लगे, देखो गुरुजी निकले अभी उड़ेंगे, देखना ध्यान रखना। गुरुजी को आहट आई, भाई कौन है? महाराज आपके गांव वाले, क्या देखने आए हो? महाराज आप उड़ते हैं सुनता हूँ, तो देखने आए कैसे उड़ते हैं? बेटा मैं उड़ता नहीं हूँ, चेले उड़ाते हैं, हर मत के चेले उड़ाते हैं। चमत्कार जितना है किसी के नाम से जुड़ा हो धरती तल पर, सब का सब झूठ है।
दीवार पर बैठे थे महात्मा, दीवार से कहे चल, चल पड़ी दीवार। चौकी पर बैठे थे, चौकी चल गई। वेद बैल से वेद मंत्र बोला दिए, 4 किलो चावल में भात बना, 1000 लोग खाए, 1 अंडा भात बच गया। कोढ़ी को छुए वो सुवर्णमय हो गया, अंधे पर दृष्टि डाले वो आँख वाला हो गया। एक मंदिर में तो मैं गया था, गुजरात में था, तो नर्मदा बांध पर ले गए लोग, वहाँ पर देखा भाला, सबका बहुत से लोग थे, लौटे वही नर्मदा के किनारे एक मंदिर था, तो कहे भाई पुराना मंदिर है देख लो, बैठे सब आए, उसके प्रांगण में बैठ गए, उसके सभागार में गए, देख करके बड़ी निराशा हुई। चारों तरफ चमत्कार का चित्रण था। मैंने कहा क्या धर्म की जगह पर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का ठेका है? जहाँ धर्म कहा जाए वहीं सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाए? अगर आपको झूठ बोलने की प्रतियोगिता आयोजित करनी है तो धार्मिकों को बुला लीजिए, एक से एक बढ़ करके झूठ बोलेंगे, सारे चमत्कार बिल्कुल निरर्थक हैं, अनर्थक हैं। सिद्धि है चित्त की निर्मलता, चित्त की शांति, जो दुर्लभ है बिरले कर पाते हैं। विद्वान बहुत हैं, धनवान बहुत हैं, प्रतिष्ठित बहुत हैं, गुरु बाबा भी बहुत हैं, महामंडलेश्वर और जगतगुरु हैं, विश्व गुरु भी हैं और ब्रह्मांड गुरु भी हैं। मुझे खुशी है ब्रह्मांड गुरु मेरे मित्र हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, कई वर्ष हुआ नहीं मिले। तो ये सब गुरु हो सकते हैं और बहुत बुद्धि में कुशल हो सकते हैं, जगत को रिझा सकते हैं, मन निर्मल हो, प्राणी मात्र के प्रति हमदर्दी हो, करुणा हो, संयम हो, शील हो, चित्त में शांति हो, सुख से सोता हो, सुख से जागता हो, सुख से जीता हो और सुख से मरता हो, वो धन्य है, वही सिद्ध है। सिद्ध का मतलब है सारे विकारों से मुक्त हो जाना, मन की मलिनताओं से, वाणी की मलिनताओं से और इंद्रियों के दुष्कर्मों से निवृत्त होकर के बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो जाना, ये सिद्धि है। चमत्कार सिद्ध नहीं है, चमत्कार तो ठगी है, बेईमानी। इन बातों से सावधान रहो, इस पर चिंतन मनन करो। मैं कहता हूँ मान न लो, चिंतन मनन करो, सोचो। पढ़े लिखे लोग खूब भटके हैं। गणेश जी को दूध पिलाना हुआ तो DIG IG सब की लाइन लग गई, जज की, सब की। गणेश जी कहीं दूध पीते? पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? इतनी भी अकल नहीं, इतनी भी समझ नहीं आज के युग में? समझ तब तक नहीं होगी जब तक हमें झूठा प्रलोभन और भ्रांति है, निर्भ्रांत होने की आवश्यकता है। कर्म जो हमारे जीवन में होते हैं उसका दायित्व तो हमारे ऊपर है, कर्म हमसे कोई करवाता नहीं है, ये भी बहुत हल्ला है। ईश्वर जो चाहे वही होता है, हम कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका आपने विश्लेषण किया है? आप शराब पीते हैं, ईश्वर ने पिलाया है? जुआ खेलते ईश्वर ने पिलाया है? अच्छे कर्म जो होते हैं मनुष्यों से उसका तो समाधान है, ईश्वर करवाता है, और बुरे कर्म होते वो कौन करवाता है? वो भी ईश्वर करवाता है, क्योंकि वही सूत्रधार है। आप कठपुतली हैं, आप कठपुतली हैं तो सत्संग की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कठपुतली सुधरती नहीं, बिगड़ती नहीं। आप कठपुतली नहीं हैं, आप सूत्रधार हैं, मन वाणी और इंद्रियों के सूत्रधार आप हैं, आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। आप स्वयं अपने को संभालें, जो आप सोचते हैं उसके आप जिम्मेदार हैं, जो आप बोलते हैं उसके आप जिम्मेदार हैं, जो आप करते हैं उसके आप जिम्मेदार हैं। ये हकीकत है और इसी को स्वीकार करके आदमी सुधर सकता है, सत्य को स्वीकार करके ही सुधर सकता है। भगवान का नाम भुनाने वाले तो खूब हैं। जब आदमी सोने चलेगा तो कहेगा भगवान अब तो ही रक्षक है, मैं सोने जा रहा हूँ, और दीवार के पीछे नकब काटने वाला चोर कहता भगवान मैं शुरू करता हूँ नकब काटना और लाभ दिलाना। हर जगह भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान तो एक ऐसा पर्दा डाल लिया जाता है, खूब ठगो, महात्मा बन जाओ, धर्मात्मा बन जाओ, भगवान के भगत बन जाओ, कोई शुद्ध वेश बना लो, उसके आड़ में कुछ भी करो, ये पाप दुराचार चल रहा है।
असली भगवान उसने समझा जो प्राण प्राण को भगवान समझता है, किसी को तकलीफ देने की चेष्टा नहीं करता है और अपने विवेक के साक्षित्व में जीवन के सारे कर्म को उजागर करता है, शुद्ध करता है, निर्मल करता है। अपने को पहचाने आप कौन हैं। आप देह नहीं हैं, प्राण नहीं हैं, मन नहीं हैं, बुद्धि नहीं हैं। आप ये कूड़ा कचरा, हड्डी का पुंज, टट्टी पेशाब की पोटली, रोगों का घर, उद्वेगों का घर, काम क्रोध दुर्गुणों का घर, ये कुछ कूड़ा कचरा शरीर आप नहीं हैं। आप शुद्ध बुद्ध निर्मल चेतन हैं, आत्मा, उसी को रूह, उसी को सोल, उसी को ब्रह्म परमात्मा कुछ भी कह लो, वो आप ऐसे निर्मल तत्व हैं। उस निर्मल तत्व को समझें। मानव शरीर साधन धाम है, यही कुछ किया जा सकता है। इसको भोग में समाप्त न करें, योग में लगाएं। सभी पूरा योग में तो नहीं लग सकते, जो पूरा योग में लग जाए धन्य है, बाकी भोग की गली में जा करके भटक करके तब तो लगना चाहिए। क्यों भी बाकी है, दैहिक आकर्षण था, दैहिक आकर्षण को देख लिए तो अब तो जगो। एक बार ठगावे बावन बीर कहावे और बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे, जीवन भर गप्पू नाथ बने रहोगे। संभालो अपने को, अपने दोषों को जो गुरु न मान ले वो कैसे सुधरेगा। हमारा अपना दोष गुरु बन जाना चाहिए, दोष को नहीं दोहराना चाहिए। अपने को संभालो, इंद्रियों के विषयों में लगे लगे जीवन निस्तेज हो जाता है, विवेकहीन जीवन हो जाता है, दुख से भर जाता है। दुनिया में सुख का केवल आभास है और दुख का भोग है, और उसका एक ही रास्ता है कि आदमी इंद्रियों और मन के आकर्षण से ऊपर उठे। जीवन गुजर के लिए सामान्य साधारण सादा कम वस्तुओं का प्रयोग करे, दूसरे के हक को न मारे, जहाँ रहे परिश्रमी रहे और अपने आप पर सदैव नियंत्रण रखे, अपने आप को साधे। ये बाजार मिला है, ये बाजार स्थिर नहीं है। बचपन से आज तक हमारे कितने संबंधी मिले, एक एक का परिचय हुआ और परिचय विस्मृत के गर्त में डूबता चला गया। जब मैंने आंखें खोली होंगी तब माँ को देखा होगा और बराबर माँ को देखते देखते माँ का परिचय हुआ होगा, माँ ने ही पिता का परिचय कराया होगा और कराया होगा, फिर न मालूम कितने परिचय हुए और सब परिचय गायब हो गए, नए नए परिचय बढ़ते चले गए। और जितने परिचय होते हैं सब खोते चले जाते हैं, सब विस्मृत के गर्त में डूबते चले जाते हैं और सांस टूटते ही सारी दुनिया हमारे लिए गायब। ये नजरों नजर है, किसी के साथ क्या है, 100 वर्ष पुरानी चीज़ें किसके यहाँ हैं। भोपाल जैसे नगरी में 100 वर्ष पुराने मकान कोई कोई होंगे, सब रेत है चारों तरफ, रेत रेत केवल रेत, देह रेत है, मकान रेत है, कपड़े रेत हैं, रुपए पैसे रेत हैं, सब कुछ रेत और धूल है। यही धूल बन जाता है बिगड़ जाता है, बन जाता है बिगड़ जाता है, मृग मरीचिका की तरह, पानी के बुलबुले की तरह प्रतीत होता रहता है। इनमें रखा क्या है, यह दृष्टि जिसकी रहती वो पाप नहीं करता है, वो दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करता है, वो ठगी नहीं करता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है। सभी बनने वाली वस्तुएं बिगड़ जाने वाली हैं, जो नहीं बनता नहीं बिगड़ता वो स्वयंभू आत्मा है, आपका अस्तित्व है। आप अपने अस्तित्व पर ध्यान दीजिए, अपने अस्तित्व को संभालिए, अपने आचार विचार को संभालिए, अपने कर्मों को संभालिए, अंदर में इतने ठोस बन जाइए कि कोई विचलन न हो। बाढ़ आई, बड़े जोर से बाढ़ आई और आपने पर्वत पर एक मकान बनवा लिया है, पर्वत पर चढ़ गए, बाढ़ कुछ नहीं कर सकती। जीवन में चारों तरफ से बाढ़ बाढ़ है, साथ के लोगों के विचित्र स्वभाव हैं, एक जगह की बात नहीं पूरी दुनिया की बात है, परिवार में समाज में सबके स्वभाव विचित्र हैं, भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, सबका अपना अपना अहंकार है, सबके अपने अपने गुण दोष हैं, सबकी अपनी प्रकृति और स्वभाव है, रुचियां हैं, संस्कार हैं, योग्यताएं हैं। ऐसी विभिन्नता भरी दुनिया में रहने वाला बाढ़ से चारों तरफ से ग्रसित है, अपनी मन इंद्रियां विकारी हैं,
अपने भास अध्यास अनेक विकार भरे हुए हैं, अपनी तमाम कमजोरियां हैं, शरीर कणों का जोड़ है जो हर समय बिगड़ता है, चारों तरफ तो बाढ़ है, रोग है, व्याधि है, अपमान है, निंदा है, घाटा है, मुनाफा है, हानि है, लाभ है, इस द्वंद्व के बाढ़ में सब जीव ग्रसित हैं। एक ऊंचे पर्वत पर अभेद्य किला बनाओ जिसमें ये बाढ़ से प्रभावित न हो सके, ये बाढ़ प्रभाव न डाल सके, वो विवेक की किला है। विवेक के किला में जो स्थित हो जाता है उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। ब्रह्म वरम ममांतरम, एक दिन मैंने कहा था वेद में अस्त्र शस्त्र का वर्णन जहाँ है बहुत लंबा वर्णन है, अंत में ऋषि ने कहा ब्रह्म वरम ममांतरम, ममांतरम मेरे भीतर ब्रह्म वर्म है, आत्मशुचिता आत्मज्ञान वर्म कवच है, वर्म कहते कवच को, भीतर का कवच क्या है ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब है आत्मा, परमात्मा, शुचिता, पवित्रता, आपका अस्तित्व। आप अपने अस्तित्व के अलावा ब्रह्म खोजेंगे जीवन भर भटकते रहें, कहीं कोई मिले मिलेगा नहीं, खोजने से जो मिलता हो ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है, खोजने से जो मिलता हो विषय होता है। खोज करके आपके खोजने के साधन क्या हैं, आँख नाक कान जीभ चाम और मन, इच्छा के अलावा कुछ नहीं है, और इच्छा से जो पाएंगे वो विषय वासना है, प्रपंच है, बाहर से जो कुछ आदान होगा आएगा मिलेगा वो प्रपंच होगा। बाहर के प्रपंच को छोड़ दिए स्वयं शेष रह गए वो शुद्ध बुद्ध ब्रह्म है, उसका कुछ नाम रखो। आपका अस्तित्व निर्मल है, उस निर्मलता को पहचाने, जीवन में विचार पूर्वक जिए, खान पान में संयम करें, गलत चीज न खाएं, आपके भोजन में किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, मांस जैसी गंदी चीज खाना मनुष्य के लिए बहुत असभ्य है और हिंसाप्रद है, शराब पीना बुद्धि भ्रष्ट करने वाली चीज, तंबाकू, गुड़ाखू, जर्दा और न मालूम क्या क्या चल पड़ा है, आजकल तो इतना चल पड़ा है, इतने तंबाकू के प्रकार बन गए हैं विनाश के साधन, इस संसार कितना विचित्र है, बड़े बड़े उद्योग लगे हैं शराब बनने के लिए, तंबाकू के बनने के लिए, कैसी मति भ्रष्ट है व्यापारियों की, सरकार की और समाज की, ऐसी चीज़ों की उत्पादन की क्या आवश्यकता है जैसे सबका विनाश हो, इसमें उन्नत मान बैठे हैं। पूरी दुनिया को आप नहीं रोक सकते, अपने को रोकिए, अपने को संभालिए, नशा की चीज़ों से बचिए, पर स्त्री पर पुरुष से बचिए और संयम से रहिए, स्त्री मात्र को चाहिए पर पुरुष का स्पर्श कभी न करें, और पुरुष मात्र को चाहिए पर स्त्री का स्पर्श कभी न करें, साधिका को चाहिए कि किसी की पुरुष का स्पर्श न करे, साधु गुरु का भी स्पर्श न करे, स्त्री को चाहिए चाहे वो साधिका हो चाहे सामान्य स्त्री हो, साधु गुरु के चरण न छुए, अलग से दंड प्रणाम, पुरुष का स्पर्श मात्र वर्जित होना चाहिए स्त्री के लिए पर पुरुष के लिए, और साधिका है तो पुरुष मात्र का वर्जन होना चाहिए, साधु है तो स्त्री मात्र का वर्जन होना चाहिए स्पर्श से, ये सब मर्यादाएँ हैं। पुरुष किसी के घर जाए वहाँ स्त्रियाँ हों तो उसके घर में न बैठे, और स्त्री किसी के घर जाए वहाँ पुरुष हों तो वहाँ न बैठे। स्त्रियाँ जो आजकल अर्धनंगी हो गई हैं, अपने देह को खोल करके दिखाने की चेष्टा बहुत है, उनको सोचना चाहिए उसमें लाभ क्या है। गांधी जी ने दो लड़कियों को कहा, उनके जूड़ा में फूलमाला बंधी थी, तो गांधी जी ने कहा ये फूलमाला को तुम देखती हो, कहे मैं तो नहीं देखती हूँ, तो कहे पीछे बांध रखी हो, दूसरे को दिखाती हो तो इसमें दूसरे का प्रलोभन होगा और क्या होगा। जो स्त्रियाँ अपने अंग का प्रदर्शन करती हुई निकलती हैं आखिर वो क्या करना चाहती हैं, पुरुष जब देखेगा, असंयत पुरुष अधिक हैं दुनिया में, तो वो उनके प्रति भोग की भावना के अतिरिक्त और क्या होगी। इसलिए ये जो अंग का प्रदर्शन है, और स्त्रियां आधी नंगी हो गई हैं, पुरुष तो गले से पैर तक ढके रहते हैं और स्त्रियां खुली खुली और नंगी होती चली जा रही हैं,
ये कितना गलत है। संभालना चाहिए अपने को, अंग ढक करके रखो, मर्यादा से रहो, अपने आभूषणों को दिखाने के चक्कर में ना पड़ो। एक महतीन तो बड़ी अहंकारी महतीन, गाँव में अवध की तरफ धनी मानी गृहस्थ जो होते हैं महतो कहलाते हैं। ब्राह्मण लोगों महतो नहीं कहते हैं, और हैं कुर्मी हैं मौर्य हैं, और लोगों महतो कहलाते हैं। और उनकी पत्नी को महतीन, महतीन बड़ी अहंकारी, उनके कई बच्चे, अच्छे अच्छे बैल, पति स्वस्थ, अपना स्वस्थ, पैसा खूब, मकान, खेती अच्छी होती थी। बड़ी अहंकारी, जिसके घर जाएं किसी को पसंद नहीं आए। उन्होंने सोने की पहुँची बनवाई, पहुँची हाथ में खूब कीमती पहुँची बनवा करके पहनी, कई घरों में जा करके घूमी और कपड़ा उसकाती रहें, लोगों की देखें, कोई भी उनकी प्रशंसा किसी ने नहीं की उनके अहंकार के कारण। उनको बड़ा क्रोध हुआ कि ये सब ईर्ष्यालु हैं, किसी के सुख को देख करके जलते हैं। दरवाजे पर एक बंगला था हवादार फूस का, उन्होंने रात में उसमें आग लगा दिया। तो गांव वाले आए दौड़े दौड़े बुझाने के लिए, तो महतीन साड़ी हटा हटा के कहें भैया यहाँ पानी डालो, यहाँ पानी डालो, जिससे कि पहुँची लोग देखें। तो गांव वाले एक ने कहा, महतीन ये कब पहुँची तुम बनवाई? अरे कहीं यही कोई पूछा होता तो मैं आग क्यों लगाती इसमें। इतना प्रदर्शन का मोह, अंग प्रदर्शन जो स्त्रियों की चेष्टा है, ये दुर्बुद्धि की सेवा कुछ नहीं। अपने को नीचे गिराना कोई फायदा नहीं, अंग ढाक करके चले। वेद के ऋषियों ने ऐसा कहा, हजरत मोहम्मद ने ऐसा कहा, बाइबिल में ऐसा है, हर जगह इसके विषय में बात की गई है। लेकिन आज की हवा ऐसी चली है कि जो बहुत दुर्गंधपूर्ण है। पर स्त्री पर पुरुष से परहेज, और भी संयम से रहने के लिए जितना बन सके आगे बढ़ो। कुल मिलाकर के अभेद्य किला अपने लिए बनाओ, विवेक का किला। किसी दुख से प्रभावित न होना जीवन की ऊंचाई है। हमारे साथ के लोग, दूर के लोग कट कह दिए, जिनको चाहिए था मेरी पूजा करना उन्होंने गाली दी, कोई हर्ज नहीं, उनकी समझ वैसी हो गई। जब समझ ठीक होगी तो ऐसा नहीं करेंगे, और उसको अपने चित्त पर न रखना कि इन्होंने ऐसा कहा था। ऐसा साहस बनाओ, ऐसा धैर्यवान बनो, कुछ रहेगा नहीं। बचपन से आज तक मैंने देखा, जितने दृश्य मिले खो गए। अनेक सभाओं में जाना हुआ, बचपन से सभाओं में जाने का अवसर पड़ता था, और आज तक कितनी सभाओं में गया, कितने मेले ठेले में गया, कितने लोगों में गया, वो सब कोई नहीं है। देखो आज यहाँ पर गांधी भवन में हम प्रवचन में बैठे हैं, कल और है, परसों नहीं रहेगा। और इसी प्रकार सब खो जाता है, किसी का कुछ रहता नहीं है। ऐसी खो जाने वाली चीज़ों के लिए मोह करना, बैर करना, घृणा करना, द्वेष करना, सबसे बड़ी वीरता है कि किसी स्थिति में चित्त में विचलन न हो। चाहे स्वजन, चाहे परजन, चाहे निकट के लोग, चाहे दूर के लोग हमारे लिए उपेक्षा और तिरस्कार किए हों, हमारा नुकसान हुआ हो, शरीर में रोग आया हो, और भी कुछ हुआ हो, किसी में विचलन नहीं होना चाहिए। धैर्य सबसे बड़ी औषध है, और कुछ रहने वाला नहीं है, सब चला जाएगा। विवेकवान बनो। चारों तरफ हम बंधे हुए हैं, इन बंधनों को हमें ही तोड़ना, हमने ही बंधन बनाया है। कर्म हमसे होता है, हम जैसे सोचते वैसे करते हैं, जैसे सोचते वैसे बोलते हैं, जैसे सोचते हैं वैसे इंद्रियों का बर्ताव करते हैं। इसलिए सोचने की जिम्मेदारी हमारी है, बोलने की जिम्मेदारी हमारी है, करने की जिम्मेदारी हमारी है। इस वास्तविकता को समझें, इसलिए ठीक सोचें, ठीक बोलें, ठीक करें। अगर गलत करेंगे कोई भगवान आपको बचाने वाला नहीं है। इसके लिए आप स्वयं देख लीजिए कि आप भोजन ज़्यादा कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, पचता है कि नहीं। कोई भगवान ही ज़्यादा खाएगा तो उसको भी नहीं पचेगा। भगवान का भगवान नियम है,
और उस नियम का उल्लंघन हो रहा है, भगवान शब्द का हवा उड़ाया जा रहा है, उसके पीछे परहेजगारी, संयम, कर्म सिद्धांत सब लुप्त किया जा रहा है। क्योंकि भगवान का पर्दा डाल करके ठगने का काम बड़ा सरल होता है। भगवान तक हम पहुंच गए, भगवान चमत्कारी, हम भी चमत्कारी हो गए, और चाहे जैसा पाप कर्म करें। धर्म ग्रंथों में यहाँ तक एक डाला गया कि ये मंत्र जपो सबका पाप कट जाएगा। रात भर का पाप सुबह के जप से कटता है, और दिन भर का पाप शाम के जप से कटता है। अमुक नदी में नहाने से पाप कटता है, अमुक नदी के दर्शन करने से पाप कटता है, नर्मदा के तो देखने से सब पाप कट जाता है। पाप कट जाने का लक्षण होता है उसके अंदर में राग द्वेष न रहे। गंगा में कोई स्नान किया और निकल करके आया, अब उसमें क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, परसंताप नहीं, हिंसा नहीं है। तम्बाकू खाता तो भी छूट गया, वो नहीं खा सकता है, तब माना जाएगा गंगा में नहाने से मोक्ष हो जाता है। गंगा में नहाए, कपड़ा पहने, फिर तुरंत तम्बाकू रगड़ना शुरू किए, तम्बाकू तक नहीं छूटा, कैसे गंगा पाप धो देगी? धर्म के नाम पर इतना हवा है, इतना जंजाल है कि वो अधर्म है। इस पर विश्लेषण करो, निर्भय होकर के विचार करो, कायर कुचर मत बनो। नास्तिक तो आप हर पर प्रकार से कहे जाओगे, चाहे जितना तैयारी करो अच्छे रास्ते में चलने के लिए, नास्तिक आप कहे जाओगे। तीन नमाजी नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ते पढ़ते एक बोल दिया, दूसरे ने कहा यार नमाज पढ़ते बोला नहीं जाता है, तीसरे ने कहा तुम भी तो बोल दिए, तो चौथा अलग बैठा कहा महाशय आप भी तो बोल दिए, तो हम आपको कहे आप हमें कहे, हम आपको नास्तिक कहते आप हमें नास्तिक और काफिर कहते हैं, सब मिला करके सब नास्तिक काफिर हो जाते हैं। इसलिए नास्तिक और काफिर शब्द से डरो मत, निर्णयी बनो, विवेकी बनो, विचारक बनो, चिंतक बनो। सारा धर्म कर्म भगवान भवानी का अर्थ होता है जीवन की पवित्रता, और जीवन पवित्र नहीं तो भगवान शब्द कहने से क्या होगा, ईश्वर शब्द कहने से क्या होगा, महात्मा और परमात्मा शब्द कहने से क्या होगा। कितने महात्मा नामधारी घूमते हैं, उनसे अच्छे गृहस्थ हैं जो सदाचार से चलते हैं, और महात्मा का पाखंड बना करके वो समाज को धोखा देते हैं। उपासना स्थल में कुटिलता का काम किया जा रहा है, उपासना स्थल क्या करेगा। तो इसलिए जीवन की पवित्रता पर, कर्म के सिद्धांत पर मनुष्य को स्थिर होना चाहिए। जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है हमारे कर्मों का परिणाम है, और जो कुछ आज हम करते आज और आगे मिलना पक्का है, इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता है। संत गुरुजन भी केवल राय दे सकते हैं, बात बता सकते हैं, मुक्ति गुरु नहीं देते हैं। बड़ी महिमा गाई जाती है शक्तिपात की, गुरु चाहे तो शक्तिपात कर दें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद स्वामी पर शक्तिपात कर दिया, तो और जो शिष्य थे उन पर क्यों नहीं किया, ऐसा पक्षपात क्यों? विवेकानंद स्वामी में योग्यता थी, आगे बढ़ गए गुरु का उपदेश पा करके। शक्तिपात बिल्कुल बेकार की बात है। अब आजकल शक्तिपात कुंडलनी जागृत, कुंडलनी कहीं देह में नहीं होती है, जिस कुंडलनी का बड़ा हवा है वो कुंडलनी कहीं नहीं है। जब एक कुंडलनी वाले वर्णन करने लगे वकील, वहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरी सभा में कई बार आए, तो मैंने कहा भैया कुंडलनी कहीं नहीं है, तो हंसने लगे, कहे मैं तो क्रिमिनल वकील हूँ, कई बार पोस्टमार्टम देखने जाता हूँ, आप सच कहते हैं कहीं कुंडलनी नहीं, कुंडलनी का हवा बहुत जगा देंगे। कुंडलनी, कुंडलनी है ग्रंथ, कॉम्प्लेक्सेस, मन की गांठें, राग द्वेष ईर्ष्या मोह, इसको काटो, ये विचार से कटेगा कुंडलनी। वो हठ योग करने से कुंडलनी जग जाएगी, तो सातवें आकाश में पहुंच जाओगे, तो आकाश में उड़ने लग जाओगे। ऐसी लंबी चौड़ी निरर्थक बातें करके आदमी स्वयं भटकते और साधकों को भटकाते हैं। मानसिक ग्रंथ, मानसिक विकार, ईर्ष्या द्वेष मोह ममता, ये सब कुंडलनी है, ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्सस है, ये विवेक विचार से और साधना से मिटने वाले हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मन का पूरा निर्मल रहना, नीत खुले, मन में कोई झटका ना हो, किसी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए, गुरुभाई के लिए, पड़ोसी के लिए, किसी के लिए मन में ईर्ष्या द्वेष कला झटका ना हो। दिन भर प्रेम से जिए, मीठी बात करें, मीठा व्यवहार करें सबके साथ,
और शाम को फिर जब नींद लें आराम से सो जाए, सुख से सोएं, सुख से जागें, सुख से जिएं और सुख से फिर मरें। जो सुख से जिएगा वो सुख से मरेगा। सुख से जीने का अर्थ लगाते हैं बड़ी बिल्डिंग हो, कार हो, धन हो, बहुत अनुगामी हो तो सुख से जीता है, ये दिखावा है। उसमें भी रह करके सुख से जिया जा सकता है। किसी के पास ये सब चीज़ें हैं, अगर उसने अपने मन को पवित्र किया तो भी सुख से जिएगा। झोपड़ी में रहने वाला भी सुख से जी सकता है। ये बाहर की चीज़ों को लेकर के उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। महल में, झोपड़ी में कहीं कोई हो जिसने अपने को साधा, अपने आत्मा को पहचाना, आत्मा को शोधा, आत्मा को परिष्कृत किया, निर्मल किया, वो कहीं भी आनंद कंद रहेगा। और ये काम न करने वाला दुनिया का ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा बटोर करके भी क्लांत, पीड़ित, रो रो के मरेगा। जितना संसार में अपना हम मोह माया फैलाएंगे, रो रो के मरना है, सब बिछुड़ना है। चारों तरफ चित्त की डोरी बांध बांध करके, खिंच खिंच करके, पीड़ा के सिवा क्या मिलने वाला है? आज तक क्या मिला है? ये चांटे खाते खाते हम लोगों के बाल पके हैं, समझ लो। ये चांटे लगे हैं तब पके हैं, इतने चांटे लगे कि उजले हो गए हैं, और इतने चांटे पर वे भी होश हवास नहीं है। सबसे बड़ी चांटे अपने दुर्गुणों के हैं। किसी ने कट कह दिया, हम बहुत दुखी हो गए, और अंदर से क्रोध उठ गया, काम उठ गया, मोह उठ गया, और अंदर अंदर रगड़ रहा है वो, और उसको हम बैरी नहीं मानते हैं। अंदर से जो घात हमारे ऊपर हो रहा है उसका होश हवास ही नहीं है। बाहर से कोई आधी जबान कह दिया, बड़ा माखमलाल, साल साल, दो दो साल, दस दस बरस सोचते उसने हमें कहा था, और अंदर में कब कब कुवृत्ति और कुवासनाएँ उठ करके हमें रगड़ती हैं, इसका हमें ख्याल नहीं है, क्योंकि आत्मशोधन नहीं है। एक तो धर्म के प्रति रुचि ही लोग नहीं रखते हैं। कितने लोग नमाज पढ़ते, कितने लोग पूजा करते, कितने लोग संध्या उपासना करते, कितने लोग ध्यान करते हैं, कितने लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत कम लोग। और उसमें करने वाले भी बेचारे औपचारिक ज़्यादा, लेकिन वो कुछ तो करते, मैं तो खुश होता हूँ। मैं किसी को नमाज पढ़ते देखता हूँ, खुश होता हूँ। किसी को शिवलिंगी पर पानी डालते देखता हूँ, खुश होता है। कुछ नहीं की अपेक्षा कुछ तो करता है। वैसे शिव का स्वरूप बड़ा सुंदर है। मांडूक उपनिषद में आता है, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम अव्यवहार मग्राह्य लक्षण अचिंतम अपदेश में एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञा। जब इस अवस्था में साधक पहुंच जाता है, नान्तः प्रज्ञम, भीतर कुछ नहीं जानता है, न बहिष्प्रज्ञम, बाहर कुछ नहीं जानता है, न प्रज्ञान घनम, न वो प्रज्ञान घन होता है, न प्रज्ञम न प्रज्ञम, न वो प्रज्ञ होता है न अप्रज्ञ होता है, न जानता है न नहीं जानता है, वो अव्यवहार होता है, अग्राह्य होता है, अलक्षण होता है, अचिंत होता है, एक आत्म प्रत्यसारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र होता है, प्रपंचोपशमम, प्रपंच का वहाँ उपशमन होता है, प्रपंच यानी मन, मन शांत होता है, शिवम, ये शिव तत्व है। ये सब जो विरोधाभास के वचन आए हैं, ये सब कहने के यहाँ अवसर नहीं है। मैंने उपनिषद सौरभ में उसका विश्लेषण खुलासा कर दिया है। अर्थ यह है कि जब मन बिल्कुल निर्मल हो गया और आत्म अस्तित्व में साधक शांत हो गया, बका रह गया, बका पर किसी को ध्यान ही नहीं, एक सूफी संत ने कहा, लोग भागे जा रहे हैं चारों तरफ, बका पर किसी को ध्यान ही नहीं है। बका, अरबी में बका, संस्कृत में शेष, शेष साई विश्व भगवान है, ये आलंकारिक है। शेष बचा हुआ, सारी वासनाओं को छोड़ दिया, अपने आप रह गया, शेष अवस्था है। इस अवस्था में जो स्थित है वो विश्व है, विश्व बाहर नहीं है। शिव आत्मा है, मंगलमय, कल्याणमय। दुर्भाग्य है, शिव को लोग धतूरा चढ़ाते हैं, गांजा चढ़ाते हैं। एक अभी मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के कार्यक्रम में था, वैशाली क्षेत्र में था, और वैशाली क्षेत्र में तथागत बुद्ध का काफ़ी अवशेष है, और लेकिन वहाँ पर एक कुआं खोद रहा था आदमी, तो एक मंदिर मिल गया, तो उसमें
शिव विष्णु ब्रह्मा सबकी मूर्ति चारों तरफ चेहरे हैं। तो वहाँ पहुँचा तो गड्ढा अभी है, दिखाया, पुजारी आ गया। पुजारी को मैंने देखा, मैंने कहा आप गांजा पीते हैं? कहे हाँ गांजा पीता हूँ, यहाँ तो गांजा एकदम खूब लगता है। मैंने कहा तो ये पवित्र स्थल कैसे हुआ? और कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो शिव जी को गजेड़ी भंगड़ी बना दिए हैं, शिव का अर्थ ही मंगलमय। शिव संकल्प शुक्ल यजुर्वेद में 6 मंत्र में शिव संकल्प है, इतना सुंदर है, आप देखिए उसको। तो विकृतियां आगे आगे चल करके हो जाती हैं। हमें ध्यान देना चाहिए, अपने को पहचानो, आप परम पवित्र हो, आप में कोई दुख नहीं, संताप नहीं। अपने स्वरूप को न पहचान कर देह गेह में ममता करे, स्वप्न की चीज़ों में चिपक कर सारे विकार जीवन में पैदा होते हैं और वही विकार काटते हैं। आज काटते हैं, जन्मांतर में काटेंगे। इसी जीवन में रह करके सत्संग स्वाध्याय चिंतन मनन द्वारा मन के विकारों को काटो, इंद्रियों को वाणी को संयमित करो, अपने में लौटो, अंतर्मुख बनो, विवेक का अभेद्य किला बनाओ, जीवन में कोई दुख आँच ना आने पाए। किसी के द्वारा ऑब्जेक्शन तिरस्कार दुख पीड़ा शरीर का रोग व्याधि या अंदर के दुर्गुण ये सब कोई सता ना पाए, ये जीवन की सफलता है, ये सिद्धि है, ये धर्म है और यही धर्म की ऊंचाई है। इसको समझने की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।